ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप, क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है और अब डोर टू डोर जाकर ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं जनता के बीच जा सकती हैं। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सीसामऊ चलते हैं, प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, इस सीट पर कैसा मुकाबला आपको नजर आया और आपके आसपास अगर लोग मौजूद हो तो जरा उनसे जानिए मुद्दे क्या है इस सीट पर और क्या बीजेपी का सूखा इस सीट पर खत्म होता हुआ लग रहा है इस बार के चुनाव में। जी बेहतर, चूंकि 10 विधानसभा सीटों का चुनाव नौ सीटों का चुनाव है, ऐसे में कानपुर की सीसामऊ सीट अपने आप में अहम है, प्रतिष्ठा का विषय बीजेपी के लिए। और आज सबसे बड़ी बात, बीजेपी से रवि किशन सांसद जी ने रोड शो किया, उसके बाद डिंपल यादव समाजवादी पार्टी जो मैनपुरी सांसद है उन्होंने रोड शो किया, एक भारी जन सैलाब देखने को मिला। अब ये परिवर्तन कितना होता है ये तो 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके बाद जानकर तमाम लोग मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? विवेक मिश्रा। क्या लगता है कि बड़ा जन सैलाब था डिंपल यादव के आज रोड शो में, योगी जी से भी रोड शो ज़्यादा लंबा निकला, तो क्या परिवर्तन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखिए, रोड शो करना उनकी मजबूरी है, जरूरी नहीं कि वोट में परिवर्तित हो। काफ़ी समय बाद बदलाव की बयार बही है और निसंदेह इस बार कमल का फूल इस क्षेत्र में खिलेगा। 96 के बाद से कोई भी विधायक यहाँ पर अब तक नहीं मुझा है और जेत की जनता परिवर्तन चाहती है। काम हुए नहीं, विकास का कोई काम हुआ नहीं अभी तक यहाँ पर। बाबा की आशीर्वाद से जो विधायक निधि उससे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, हर विधानसभा में एक, जो हमारे विधानसभा में बरखंडेश्वर मंदिर बाबा का है, 47 लाख का उनको बजट दिला। कहा गया कि विधायक जी की तरह, विधायक तो सभी होते हैं लेकिन देने वाले वो मुख्यमंत्री होते हैं। क्या लगता है कि हिंदुत्व का कार्ड चलेगा या अखिलेश का PDF फार्मूला काम करेगा? देखिए, हिंदू तो नहीं, जो हमारे योगी जी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे, और सुनिए तो उसी का कार्ड नहीं चलेगा, वो चल रहा है क्योंकि हम लोग बढ़ के देख चुके हैं, काटे भी गए हैं कटे भी हैं। तो ये मतलब कोई वो नहीं कि ऊपर से बात आ गई है, काल्पनिक बात नहीं, वास्तविक बात है, जो भोगा है जो झेला है उसकी बात सामने आई है, ठीक ना। और रही बात इन लोग के लिए, खूब करा गया है, हम लोग ने 22 में भी करा और उससे पहले हमेशा करा गया। हम जितने सवाल ये लोग यही करते हैं कि विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, लेकिन सीधे आते हिंदुत्व की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। आपका बहुत बड़ा चैनल है, एक बात कहूंगा उसके ज्यादा बात नहीं कहूंगा, किसी भी अच्छे और सच्चे मुसलमान को खड़ा कर दीजिएगा और उससे पूछिएगा जितने लाभ हैं वो पहले मुसलमान को मिलता है, बाद में हम हिंदू को मिलता है। हम यहाँ कहने नहीं जाते हैं, ना अपनी सरकार में ये कहने जाते हैं कि इनको हटाइए। 6 यूनिट आयुष्मान योजना जो है हमारी, 6 यूनिट पे होती, 6 अगर यूनिट है तब आपको मिलेगा। हमारे हिंदू में 6 यूनिट नहीं होते, 2 यूनिट हम, दो हमारे, दो के हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं, 4 यूनिट होते हैं, 8 से 5 होते हैं, उनको मिलता है लाभ, रोजगार उनको मिल रहा है, सुनिए। और सबसे ज़्यादा व्यवसाय वो कर रहे हैं, हम राशन फ्री का वो ले रहे हैं, हमारी खाओगे हमारी बचाओगे, कब तक झेलेंगे? जीतते हैं आपकी जीत 100%, 1000%, 1000% का है। आप किसी चैनल में दोबारा भी आइए, बात करने यही बताएंगे। चलिए, क्या मानना है आपका, सीसामऊ में क्या रिजल्ट रहने वाला है? सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतने जा रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये अपराधी विधायक जो डॉक्टर को मारे, जो हिंदुओं में मुकदमे लगवा के जेल भिजवा दे, ये अपराधी विधायक जो अपने ही समाज में एक महिला को, बेवा विधवा महिला के प्लाट पे कब्जा कर दे, आग लगा दे, उसके लड़के की, उसके पति की हत्या तक के आरोप जिस पर हैं, ऐसा अपराधी विधायक हमारी विधानसभा के लोगों को नहीं चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी पर पूरा विश्वास है और ईमानदार सरकार का ईमानदार विधायक हमें अपना जो चौकीदार चाहिए वो ईमानदार चाहिए, अपराधी नहीं चाहिए। इतने अकेले इसी महिला को नहीं है, इसके क्षेत्र में आप सर्वे करावे, इसके क्षेत्र की विधानसभा में आपको 100 मुसलमान मिल जाएंगे जो कहेंगे कितने हमको लूटा, इतने अपने समाज को ही लूटने का काम किया है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसको वोट दें उसको वोट दें, हम बिल्कुल निर्विवाद बात कर रहे हैं। एक व्यापारी है, उनकी विधानसभा से भी नहीं है, लेकिन यहाँ चाय पीने आए, सुन के मैंने बताया कि इसके बारे में, चूंकि मेरी मनीराम बगिया में दुकान है, एक कस्टमर मुझसे आके कहता है कि ये भैया इसने हमको भी लूटा है, और वो भी मोहम्मदन था। ये मुसलमान लगता है कि उनके साथ छल किया जा रहा है कुल मिला जी, जी 100%, 1000%, 1000000%, 1000000%। आप क्या मानना है? देखिए, ये उपचुनाव निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीत रही है और इरफान नसीम सोलंकी जीत रही है चुनाव। 22 साल से तो आप लोग काबिज हैं, अब क्यों भरोसा करें आप पे लोग? देखिए, 22 साल से काबिज है, लोगों का भरोसा जीता तभी 22 साल से काबिज है। इस चुनाव में, ये चुनाव निश्चित रूप से आप मान लीजिए प्रशासन लड़ रहा है,
बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर इस सीट पर भी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। प्रवीण, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आते हैं मझवा चलते हैं। राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्योंकि ये पहली बार है जब उपचुनाव में बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है, बीएसपी की तरफ से भी मेहनत नजर आ रही है, कैसा मुकाबला इस सीट पर दिख रहा है, मुद्दे क्या है लोगों के बीच? देखिए, इस बार बताएं कि त्रिकोणी यहाँ पे लड़ाई है, जहाँ पे बसपा, सपा और भाजपा तीनों प्रत्याशी बहुत ही दमदारी से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 4 लाख वोटर मझवा विधानसभा में हैं, और जो कि यहाँ पे परसेंटेज भी अच्छा रहता है वोट का, वो तय करेंगे किसको हम वोट देंगे। आइए, यहाँ की जनता से भी जानते हैं कि इनके मन में क्या है और क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पर, जी भाई साहब, किस मुद्दे पर वोट देंगे। ब्राह्मण का वोट इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा, क्योंकि सपा के जो प्रत्याशी है उनकी पिताजी के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया था, इसलिए जो ब्राह्मण का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। आप बताएं किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? हम रोजगार के मुद्दे से वोट देना चाहिए, हिंदू मुस्लिम जात पात के मुद्दे पर हट के रोजगार के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। किसको वोट करेंगे? सपा को। आप बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, हम इसको देख के बीजेपी को वोट करेंगे। आप बताइए कि किस मुद्दे वोट देंगे? हम पहले भैया का सवाल का जवाब देना चाहता है। भैया ने कहा कल तो बटेंगे तो कटेंगे, अभी हाल ही में भाजपा वाले कल तो कटवाए, आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मुर्गा मीट दारू यही सब व्यवस्था चल रहा है यहाँ पर, और क्या है? और मुद्दा वाली बात कहें आप, मुद्दा यहाँ क्या है? भाजपा ने 15 साल में मझवा में कुछ ही नहीं किया है, सपा थी और सपा ही रहेगी, सपा हमेशा आएगी। आप बताइए कौन जीत रहा है, क्या मुद्दा है? बीजेपी जीत रही है और जनता विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेगी, क्योंकि इतिहास में जितना विकास बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है मिर्जापुर जिले का, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप देख लेंगे तो बीजेपी ने ही अत्यधिक विकास किया है, चाहे मझवा विधानसभा हो, चाहे नगर, चाहे मझान। पंडितों का वोट दीपू तिवारी की तरफ कितना जा रहा है? दीपू तिवारी की तरफ देखिए, अब क्या है कि पंडित भी जो है विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे, न कि किसी पार्टी या जातिगत। आप बताएं कि किसका माहौल है? सपा का माहौल है, और सपा से बढ़िया कोई प्रत्याशी यहाँ पे मझवा में है नहीं। जब से देश आजाद हुआ है मगरदा में आज तक कभी रोड बना नहीं। ये भाई साहब बोले हैं कि 15 साल से बीजेपी बहुत अच्छा काम की है। ज्योतिबिंद MBBS डॉक्टर भी है, पढ़ी लिखी है, वो भारी मतों से जीत रही है। आप बताएं कौन वोट जीत रहा है, क्या मुद्दा? इसमें बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी का जो कार्य दिखा पूरे हिंदुस्तान में दिखा, इसलिए के बीजेपी को वोट दिया जाएगा। बीजेपी पूर्व बहुमत से जीत रही है। ठीक है, बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जीत के कोई दावे कर रहा है? कुंदरकी चलते हैं, आकाश कुमार भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आकाश, यहाँ पर कैसा आपको नजारा दिख रहा है, क्या माहौल दिख रहा है, जनता किसके साथ जाती हुई दिख रही है, और क्या जो विकास की बातें की जाती रही है, विकास एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में भी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उपचुनाव की दौड़ जो है वो अब फाइनल चरण पर पहुंच चुकी है, तो ऐसे में जो प्रत्याशी है वो सभी लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए, क्योंकि फाइनल स्टेज अब आ चुकी है, तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, ये बताएं क्या मानता है इस बार किसका पल्ला भारी लग रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी का पल्ला हमेशा भारी रहा और भारी है। अगर चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी दमखम के साथ लड़ रही है, सपा वालों का दिल भारी है इनका बेचारों का, क्योंकि माहौल देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि इस बार नहीं जीतेंगे, तो इनका दिल ही भारी है। पल्ला इस समय बीजेपी का ही भारी है, बीजेपी जीत रही है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी इस बार बीजेपी। आप बताएं क्या मानते हैं इस बार, सब कह रहे हैं कि सपा का गढ़ है ना जी, बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि मुस्लिम इस बार कमें सपा के दोस्तों का खिलाफ है, क्योंकि सपा के नेता ने जो कमें विवादित बयान दिया था अभी बीच में कि भी साहब जो कमें रामवीर सिंह के साथ हैं वो सब दलाल है मुस्लिम, तो उससे मुस्लिम सभी लोग खिलाफ हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपने आपके प्रत्याशी ने जो बयान दिया है वो उसकी वजह से सब खिलाफ हो गए। देखिए, राजनीति में तो सब बयानबाजी चलती रहती है, इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि वहां पर पूर्व में 3 बार विधायक 4 बार रहे, उनके बयान का असर पड़ेगा नहीं? देखिए, ये प्रत्याशी का अपना वो होता है कि वो किस तरीके का बयानबाजी करे, ये उनका अपना मामला है,
आकाश, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने ही मुस्लिम कैंडिडेट को आगे किया है, तो क्या लग रहा है कि क्या मुस्लिम वोटर जो है वो बट जाएगा और उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने ही मुस्लिम कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं। इसके अलावा एआईएम आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम ही है, तो क्या मानते हैं वोट कटेगा इस बार, बटेगा? देखिए, वोट कटेगा या बटेगा ये तो उनकी राजनीति है, वो तो हमेशा ही अपने कैंडिडेट मुस्लिम रखते हैं। लेकिन जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है ठाकुर रामवीर सिंह जी, आप जाकर कभी विधानसभा क्षेत्र में पता कीजिए, चाहे हिंदू से या मुसलमान से, जनता में उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम की भावना है, तो निश्चित ही विजयी जो है वो ठाकुर रामवीर सिंह हो रहे हैं। क्या मानते हैं क्या वोट कटेगा इस बार? उन लोगों का वोट शुरू से एक मत पे पड़ा है, वो आखिरी मत पे अपना एक मत वोट ना कटने देने के लिए प्रख्यात है। दुनिया जानती है उनका वोट एक तरफा पड़ता है, नहीं कटता वोट, तो हम हिंदुओं को कटता है, कोई किस पे डर लगा, कोई किस पे डर लगा, कोई जाति पे बटा है, कोई किस पे बटा है, पर उन लोगों के वोट कटने की बिल्कुल भी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार फाइट जो है वो सपा भाजपा के बीच में बताई जा रही है, लेकिन और लोगों ने भी प्रत्याशी जो है अपने मुस्लिम उतारे हुए, तो क्या असर पड़ेगा उसका? 100% बीजेपी जीतेगी। जैसे हमारे अभी भैया ने कहा था कि भाजर का या वक्तव्य का कोई नहीं सुनता, आजकल सुनते हैं, देखते हैं कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या देना चाह रहा है। ऐसे बयान देने से वोट बैंक पर पूरा पूरा असर पड़ेगा। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि जो कोई इस तरीके के बयान का असर नहीं पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा, वोटर पे बड़क पड़ता है, किसी को दलाल कह देंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे, इसलिए लास्ट तक कोशिश कर रहे थे कि अगले शायद को दोबारा सभा हो जाए, वो माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने माफी मांगी नहीं, तो इसका असर पूरा पूरा पड़ेगा और जनता इस बार बीजेपी को जिताएगी वहां से, ठाकुर रामवीर सिंह जीतेंगे बहुत अच्छे वोटों से। अच्छा, कहा जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि एक माहौल बनेगा बीजेपी के खिलाफ जो है वो सपा माहौल बना रही है, तो क्या इसमें कामयाब हो पाए अभी तक? नहीं, माहौल तो जो है सपा का पहले से ही तैयार था, क्योंकि देखिए माहौल तैयार नहीं होता तो वो चार बार विधायक नहीं होते। समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है और समझ लीजिए राजनीतिक किला है पूर्व विधायक जी का, और मैं समझता हूँ वो उसमें कोई भी सेंध नहीं लगा सकता। आप दावेदारी किस तरीके से मानते हैं, क्या मजबूत दावेदारी इस बार सपा की है या भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं पट्टी दे पाएगी इस बार? देखो भाई, सपा अगर कितना भी कमजोर कैंडिडेट तो कोई समाजवादी पार्टी के साथ, तो कोई बीजेपी के साथ, और कोई बीएसपी की बातें कर रहा है। वापस आते हैं आकाश आपके पास, अंकित मित्तल के पास चलते हैं, मीरापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, आज ही ओवैसी मुजफ्फरनगर में थे, अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में थे, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में थे और चंद्रशेखर ने भी प्रचार किया। आज जो जनता के मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं। अखिलेश ने आकर के यहाँ पर दो ही पार्टियों के बीच चुनाव बना दिया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये वोट करने जा रहे। भैया, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप? मुद्दे तो कुछ नहीं जी मेरी नजर में, तो वैसे हम तो पुराने समाजवादी है और समाजवादी को ही करेंगे। किस तरह के मुद्दे हैं जो चुनाव में देख रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? बस जी, कुछ नहीं देखा जा रहा, खाली साइकिल ही साइकिल देखी जा रही, समाजवादी पे जुट रहा सब। नहीं, मुद्दे भी तो कुछ होंगे, विकास के मुद्दों पे बात होगी या फिर केवल पार्टी के नाम पे वोट किया जाएगा? पार्टी के नाम पे और विकास के नाम पे, दोनों के नाम पे वोट कर रही है जनता। तो क्या लगता है, आप युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? युवाओं को देगी मुद्दा ही रोजगार, दो शिफ्ट में पेपर होने लगे, एक में बीजेपी आरएसएस वाले के बच्चे देंगे, एक में किसान का बच्चा देगा, दो हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 2 करोड़ लाठिया युवा झेल रहा, कभी नेम प्लेट का मुद्दा आ जा, रोजगार पे बात ही नहीं होती, कहाँ गए रोजगार? हर 15 लाख हर साल खाते में आ रहे थे, कहाँ गए? फिर बाद में कहने लगे जुमला। तो हमारे देगी मुद्दा जी रोजगार, रोजगार ही सरकार दे पा रही, नए नए मुद्दे आते रहे। चाचा, आप क्षेत्र के रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ये नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहना, हमें हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी में रहना है, इसी में मरना है, इसमें जीना है, और ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये तो भाई हमें आपस में भाईचारा रखना है। अच्छा, और भ्रष्टाचार है और पुलिस की अत्याचार है और ये लूटपाट हो रही है, ये सब मुद्दे हैं। ये सब तो क्या लगता है कि जो इस बार
केवल आरएलडी ने हिंदू प्रत्याशी उठाए, बाकी सभी अन्य पार्टियों से मुस्लिम प्रत्याशी है, क्या कोई इस बार वोट बटेगा मुस्लिमों का? नहीं, मुस्लिम का वोट नहीं बटने का, ये तो पार्टी छोटी मोटी पार्टी सब आवाई है, ऐसा कोई मतलब मुद्दा नहीं। तो क्या लगता है कि उन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप इस बार? महंगाई, भ्रष्टाचार, जनता त्राही त्राही कर रही है, न रोजगार मिल रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो आज अखिलेश जी आए थे, उन्होंने भाषण दिए, बेरोजगारी की भी बात की, किसानों की भी बात की, क्या लगता है कि जो जनता है वो इनके इन बातों में आएगी और समाजवादी को वोट करेगी? देखिए, बातों में आने की कोई ऐसी बात नहीं है, अखिलेश जी जो बोल के गए हैं जनता ने अपना मन बना लिया है, समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और विधानसभा की जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा। बिल्कुल, तो महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे यहाँ के लोग भी उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं, कोई आरएलडी प्रत्याशी को अच्छा कैंडिडेट बता रहा है। वापस आते सीसामऊ चलते हैं, प्रवीण पांडे भी हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, हमने देखा कि प्रचार में जब राजनेता पहुंचे तो भारी भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, और जो पोस्टर वॉर भी देखने को मिला उसको किस तरीके से यहाँ के लोग देख रहे हैं? जिस सीसामऊ की सीट अहम है, ऐसे में पोस्टर वार हो गया, नारेबाजी हो गई और जिस तरीके से बयानबाजी हो गई, लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि बेईमानी कर रहा है, प्रशासनिक मशीनरी जो है वो चुनाव लड़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब जैसा कि आप बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है भेदभाव करती है, ये करती है, वो करती है, मेरा जो मानना है कि 2014 में मैं खुद मुकदमे से पीड़ित हूँ, दंगे में मेरा नाम आया था, कई ऐसे हिंदुओं का नाम आया था जो वहाँ थे भी नहीं, माननीय इरफान सोलंकी जी मौके पे मौजूद थे वहाँ पे और चेहरे देख देख के नाम बढ़ाने का काम कर रहे थे, ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं है सीसामऊ विधानसभा के अंदर जो चेहरे देख देख के नाम बढ़वाने का मेरा हिंदू भाइयों का काम किया था। चलिए, आप क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि इरफान सोलंकी कोई जन आंदोलन की वजह से जेल में नहीं है, उनको न्यायालय ने सजा दी है और एक महिला के साथ अत्याचार किया है इसलिए वो जेल में है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि प्रशासन जब अंगूर नहीं मिल पा रहे हैं तो खट्टे हैं, ठीक, बयान शिवपाल यादव के। हाँ, शिवपाल यादव जी की सरकार में क्या होता था ये आपसे और जनता से छुपा नहीं है, कैसे बैलेट लूट लिए जाते थे। अब जब वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, चुनाव की लड़ाई से बाहर हो गए, तो कह रहे हैं कि सब प्रशासन पर दोष मारना है। ठीक, आइए जनता में प्रचार करिए, उनका प्रत्याशी जेल में है, जनता पे अत्याचार किया है, सब बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने क्या किया है और न्यायालय ने उनको सजा दी है, किसी और ने सजा नहीं दी है, या जनता का कोई वो नहीं है, जनता का उन्होंने नुकसान किया है। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने प्रताड़ित करने वालों की लिस्ट निकाली जाएगी तो उसमें 100 में 98 मुस्लिम भाई बहन होंगे, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम भाई बहनों पर ही अत्याचार किया है। रोड शो का असर पड़ेगा? डिंपल यादव का बड़ा भारी जन सैलाब था। देखिए, जनसैलाब से मतलब ये नहीं होता है कि ये वोट में कन्वर्ट होगा, कुछ भाड़े के भी लोग आए हुए हैं, इटावा से भी लोग आए हैं, आपके आजमगढ़ से भी लोग आए हुए हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है, जो मूल जनता यहाँ की है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मिला के आज के जनसैलाब में वोटर नहीं थे, बुलाए गए थे। जी हाँ, ये भाड़े के वो लोग हैं जो आजमगढ़ और इटावा से मंगाए गए लोग हैं सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब अभी अखिलेश जी की जब सभा हुई थी, कुर्सियाँ खाली रह गई थी, उन कमियों को छुपाने के लिए। ठीक है प्रवीण, वापस आते हैं राजेश मिश्रा के पास चलते हैं। राजेश, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी कमियां नजर आई थी जिसको ठीक करते हुए इस बार टिकटों की जो बंटवारा था वो भी बहुत सोच समझ के किया गया। उसके अलावा मंत्रियों तक को जिम्मेदारी दे दी गई थी कि रात्रि प्रवास करिए, आप अलग अलग इलाकों में जाइए। आपको लगता है कि वो मेहनत इस बार के चुनावों के नतीजे में नजर आ सकती है? देखिए, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जहां पे खुद सीएम योगी दो बार इस विधानसभा में आकर अपना आए और जनसभा किए, और इस समय वर्तमान में सभी मंत्री, कई मंत्री यहां पे डेरा डाले हुए थे। अब चुनाव प्रचार थम गया, अब लोग तो लोगों की वापसी होगी, मगर अभी तक लोग यहां पे छोटा छोटा चौपाल हर घरों में मिलते थे, छोटा छोटा आयोजन कर भोजन का आयोजन करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि वोट ज्यादा से ज्यादा दें और अपने पक्ष में दें। ये नहीं, सपा के लोग भी ऐसा ही कर रहे थे और बसपा के लोग भी ऐसा कर रहे थे, मगर इस समय भाजपा में पूरा ये क्षेत्र हो चुका है मझवा। आपको बता दें कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आयोजन होता रहता था, चौपाल से लेके लोगों घर मिलना, रोड शो, इस प्रकार के आयोजन यहाँ पे बहुत हुए हैं। हमारे साथ देखिए कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे जानते हैं इस समय जो योगी जी आए, अखिलेश जी, क्या प्रभाव पड़ेगा? जनसभाओं के माध्यम से दीवानी जंग किए हैं लोग एक दूसरे पे,
और सपा करे कि हम हीरो और भाजपा करे कि हम हीरो। ऐसे वास्तव में देखा जाए कि दोनों लोगों ने दोनों की अगर तुलना किया जाए तो भाजपा ने कुछ किया है। और आप बताइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, योगी जी आए और दो जनसभाएं किए। योगी जी आए हैं जनसभाएं की, इसके पहले विनोद बिन तीन बार विधायक थे यहाँ से, जो कि अब उस समय बसपा में थे, वर्तमान में वो सपा में है, उनकी ही बेटी यहाँ से प्रत्याशी है। और बीजेपी का जो डेढ़ वर्षों का मतलब डेढ़ का साल कार्यकाल था, विनोद बिन जो थे वो विकास किए, उसके पहले मौर्या जी जो इस प्रत्याशी हो विकास की है, इसलिए जो भी विकास। ठीक है राजेश, वापस आते हैं आकाश के पास चलते हैं। आकाश, क्या इस बार लगता है कि एक तरफ सनातन का मुद्दा और दूसरी तरफ पीडीए का फॉर्मूला, दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि सनातन का मुद्दा और पीडीए का फॉर्मूला कौन किस पर भारी पड़ेगा, पूछ लेते हैं सीधे हम। ये होता है सनातन का मुद्दा इस बार भारी है, पीडीए का मुद्दा क्या असर है इसका? भाई सनातन का मुद्दा कहें या पीडीए का मुद्दा कहें, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करने का काम कर रही है। उनर्गी का चुनाव है, अब मुसलमान समाजवादी को समझ के वोट देते हैं कि मुसलमानों की हितेशी पार्टी है, किस मुसलमान का क्या फायदा किया है समाजवादी ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मीडिया मानता है कि मतलब यूज एंड थ्रो करा है ये? बिल्कुल, समाजवादी ने मुसलमानों को यूज एंड थ्रो का काम करती है। आज इतने बड़े नेता आजम खान जेल में बंद है, उनकी नहीं क्या करा जा रहा है, इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उनकी नहीं समाजवादी पार्टी ने क्या किया, ये सवाल है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का यूज एंड थ्रो कर दिया है। देखिए ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, भाई आते हैं, वो खुद कह रहे हैं समाज से आते हैं, ये इनकी अपनी सोच की बात है। लेकिन पूरा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके सारे लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनकी बात रखते हैं, उनके विषय में कहते हैं। सांसद जी मुरादाबाद की जो सांसद हैं वो आए दिन रामपुर जाती हैं, कभी जेल जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में उनका कद क्या है। उनके कहने से टिकट डिक्लेयर होते हैं, मिलते हैं लोगों को, वो आज भी समाजवादी पार्टी की जुड़े। तो क्या मानते हैं, पीडीए का मुद्दा हावी रहेगा या सनातन का मुद्दा? देखिए सनातन का मुद्दा तो हर बार चलता ही चलता है, और हिंदू वोट और मुस्लिम वोट एक तरफा धर्म के आधार पे बढ़ता है, हिंदू हिंदुत्व के नाम पे वोट देता है, मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे वोट देता है। मगर समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू से सनातन के नाम पे वोट लेती है, वो जनता उसे कितना देखती है, क्योंकि वोट लेने से पहले सबका साथ सबका विकास हिंदुत्व की बात, उसके बाद सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद नौकरियां बांटना, पैसा बांटना, फंड बांटना, ये सब जनता पुनर्गिन में भाजपा को अपना आईना दिखाएगी। क्या मानते हैं, क्या इस बार सनातन और पीडीए क्या किसका भारी लग रहा है? वैसे तो बीजेपी का ही भारी है, बाकी धर्म को पता, देखो राजनीति में सनातन धर्म हमारा अपना है ठीक, और उसके लिए तो हम बीजेपी के लिए तो हमें कोई वो नहीं कि साहब बीजेपी हमें भड़का रही है, या कोई भी लोग कहते हैं कि सनातन के ऊपर मुद्दा उठा के मतलब ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कैंडिडेट को देखा जाता है। और रही बात कुंदरकी में जो इतने कह रहे हैं भाई साहब कि चार साल से वो इतनी बार चार बार बन चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, अब जनता वहां की बहुत उग चुकी है और परेशान हो गई, जो वहां की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बता नहीं सकते, लेकिन यह कि अब जनता ने सब जान लिया है, इसीलिए वो रामवीर सिंह जी को बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रही है। क्या किस पीडीए का एक अलग मतलब जो पैटर्न चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को जो है अच्छे से दिखाएंगे, हम ये सारी सीटें जीत के दिखाएंगे, क्या लगता है कुंदरकी में इस बार क्या होगा? देखिए तो चुनाव की जंग कौन करेगा, दंग सवाल यही है। मुद्दों का शोर सुनाई दिया, नारों की गूंज सुनाई दी, पोस्टर वॉर भी देखा गया, लेकिन जनता तक क्या मैसेज जाता है और जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके लिए इंतजार करना होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि 20 तारीख को घरों से बाहर जरूर निकलेगा, वोट करने जरूर जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को करें या फिर नहीं। फिलहाल के लिए अभी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।